नमस्कार गौरव साहब, तो गौरव साहब 10 नवंबर को जिस प्रकार है भाई आप अग्रोहा के अंदर मेला है, मेले की क्या कुछ विशेषताएं रहेगी? मेले के अंदर सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो जाएगा मेला, जिसके अंदर सुबह 6 बजे शक्ति सरोवर स्नान रहेगा। 8 बजे महिलाओं द्वारा 501 महिलाओं द्वारा अपने कलश यात्रा निकाली जाएगी। उसके बाद अपने आरती होगी 8 बजे। 9 बजे अपना क्या नाम है भंडारा स्टार्ट हो जाएगा, जो पूरे दिन चलता रहेगा। उसके बाद जो मेन कार्यक्रम रहेगा वो 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का स्टेज कार्यक्रम रहेगा। और कार्यक्रम के अंदर महामंडलेश्वर कुमार स्वामी जी आएंगे, GTV के चेयरपर्सन अपने सुभाष चंद्रा जी है, भजन सम्राट कन्हैया मित्तल जी है, पंजाब के कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र गोयल जी है, सावित्री जिंदल जी है, और भी कई TV कलाकार और जो समाज के प्रतिनिधि, सीनियर प्रतिनिधि है, वो उस दिन कार्यक्रम में भाग लेंगे। तो उसके अंदर अगर हम बात करें तो कितनी संख्या के अंदर भीड़ एकत्रित होने का संभावना? जो हमने जो अरेंजमेंट कर रखा है वहाँ पे 1 लाख लोगों का कर रखा है। 1 लाख लोगों के लिए वहाँ पे खाने की व्यवस्था है और हर तरह की व्यवस्था हमने जो करी गई है। 300 रूम हैं, लोग 8 तारीख से ही, दूर दूर से लोग 8 तारीख से ही आने वहाँ पे आरंभ हो जाएंगे। और जिस तरह उसके अंदर महाराष्ट्र है, अपने इसके MP है, वेस्ट बंगाल साइड से है, सिलीगुड़ी साइड से, यहाँ से बहुत लोग आते हैं। इवन जो अग्रवाल समाज के जो फॉरेन में रहते हैं उनको भी ही हर साल वेट रहती है, जब भी अग्रवाल धाम में मेला लगता है तो उनके वो माध्यम होते हैं, उस मेले के माध्यम से वो हमेशा इंडिया में आते हैं और अग्रवाल धाम में जरूर दर्शन करने के। तो उनके सभी के लिए तैयारियां चल रही है और जो हम 6 तारीख तक उसको कम्प्लीट कर रहे हैं। जिस प्रकार मेले के अंदर लाखों की संख्या में भीड़ एकत्रित हो रही है, तो सुरक्षा इंतजाम क्या कुछ रहेगी? सुरक्षा इंतजाम के लिए हमारी खुद की भी टीम लगी हुई है, जो हमने टीम हायर भी कर रखी है, जो पेड सिक्योरिटी गार्ड वो भी कर रखे हैं, और पुलिस प्रशासन से भी हमने सिक्योरिटी की सुविधा मांग रखी है और हर साल वो देते हैं।